とどめだ。消えろ。孫悟空さらばだ。So yeah guys, क्या हाल चाल है आप सबके? होप एवरीवन इज डूइंग गुड. सो गाइज बैक अगेन विद न्यू टूर्नामेंट ऑफ पावर सीजन 76 गाइड. सो गाइज बाय फॉलोइंग दिस गाइड यू गाइज कैन इजली अचीव 1000 सीसी एट द एंड ऑफ द सीजन. सो मेक श्योर इट टू फॉलो इट प्रॉपरली. एंड कोई फर्क नहीं पड़ता गाइज आप ए लीग पे हो या फिर एस लीग पे हो, आप जो है इस लीग को इस गाइड को जो है फॉलो कर सकते हो. ठीक है, सेम जो अपोनेंट रहते हैं, बस थोड़ी जो है टफनेस कम रहती है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो सबसे पहले बात करेंगे गाइज पाथ और रूट के बारे में. ठीक है, सो दीज आर द गाइज रूट एंड पार्ट यू हैव टू फॉलो दिस सीजन. सो यू गाइज कैन टेक स्क्रीन शॉट. ठीक है, एंड ये जो येलो ट्राइंगल्स आपको दिख रहे हैं, इसका मीनिंग यही है कि यार यहाँ पे जो है थोड़ी आपको स्ट्रॉन्ग फाइट देखने को मिल सकती है, अल्ट्रा वगैरह या फिर लेजेंड्स लिमिटेड वगैरह ज़्यादा हो सकते हैं. सो स्टार्ट करने से पहले जो है स्ट्रेटजी वगैरह अच्छे से बना लेना, फिर जंप आउट करना इस पर. सो दीज आर रूट. ठीक है, आप जो है इसको यही फॉलो करना. एंड नेक्स्ट वी गाइस टॉक अबाउट गुड जी टायर्स एंड एस टायर्स. अगर आप खुद से टीम बना रहे हो गाइस, काफ़ी बंदे जो है खुद टीम बनाते हैं. ठीक है, तो मैं आपको जो है गुड जी टायर्स एंड एस टायर्स बता देता हूँ इस सीज़न के. सो दीज आर दी गुड जी टायर्स यूनिट गाइस, एंड दीज आर दी गुड एस टायर्स यूनिट. यू गाइस कैन टेक स्क्रीन शॉट. अगर आप खुद से टीम बना रहे हो तो मेक श्योर आप जो है इनमें से यूनिट्स उठाना. खुद से कोई भी भाई यूनिट्स उठा ली तो भाई दिक्कत हो जाएगी एंड वो अर्ली स्टेज पर मर जाएंगे, तो भाई फिर पॉइंट्स वगैरह आपको पता है नहीं मिलते, एंड पॉइंट्स नहीं मिलते तो भाई फिर सीसी नहीं मिलते. सो दिस इज़ अबाउट गाइस यूनिट्स. बाकी मैंने इक्विपमेंट्स एंड उसका जो है फ्रेंडशिप रैंक का सीन जो है अपनी पिछली गाइड्स में बता रखा है. एंड अगर स्टिल आपको जो है इक्विपमेंट्स और फ्रेंडशिप रैंक के बारे में नहीं पता तो आप मुझे कमेंट सेक्शन नीचे कर देना, मैं बता दूंगा क्या सीन रहता उसका. ठीक है, नाउ गाइज वी विल टॉक अबाउट टीम्स. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो आपको अपनी टीम दिखा देता हूँ जो इस सीज़न में फॉलो करने वाला हूँ. So let me show you. Wait a sec. Okay. So this is my team and मैं use कर रहा हूँ भाई LOE this season. And अगर आपके पास same units है तो आप इस team को use कर सकते हो, मेरी वाली team को. ठीक है, देख सकते हो आप. So this is my team. And अभी मैंने start नहीं किया, इसको Z summon कर लूँ फिर start करूँगा. And मैं तो भाई जब 24-23 TP हो जाती है तब start करता हूँ, बट काफ़ी player भाई early start कर देते हैं, बट सबकी अपनी अपनी choice है. इसको जी सेवन कर लूँगा फिर स्टार्ट करूँगा. सो ये जो है मेरी टीम है. अगर आपके पास ये करेक्टर्स नहीं है तो मैं आपको कुछ दूसरी प्री में टीम्स दिखा देता हूँ जो आप जो है फॉलो कर सकते हो इस सीज़न पे. ठीक है, सो लेट मी शो यू. सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस ये जो है इवेंट एक्सक्लूसिव. सो ये इस वाली टीम में गाइस जो है सारे फ्री टू प्लेयर यूनिट्स रहते हैं. अगर आपके पास जो है मतलब जो है पेड यूनिट्स नहीं है, समझ से जो यूनिट्स नहीं है, या फिर आप न्यू गेम में बेसिकली न्यू हो तो आप जो है ये वाली टीम यूज़ कर सकते हो. सो दिस इज़ द इवेंट एक्सक्लूसिव, बट मेक श्योर गाइस स्टार्स इस पर ज़्यादा हों, बिकॉज वैसे ये फ्री टू प्ले यूनिट्स हैं. ठीक है, एंड अगर इस पर स्टार्स भी नहीं होंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी. ठीक है, सो दिस इज़ द फ्री टू प्ले यूनिट इवेंट एक्सक्लूसिव टीम. नाउ लेट्स जंप इनटू द नेक्स्ट टीम. नेक्स्ट टीम है गाइस आपकी GT. सो GT का भाई बैनर्स वगैरह आए थे, काफ़ी बंदों ने समन किया, आपके पास जो है करेक्टर्स वगैरह होंगे तो GT टीम होनी चाहिए. एंड इसमें स्पेशली भाई बेबी जरूर होना चाहिए जैन का ही, बिकॉज भाई ये हीलर है एंड दोनों तरफ जो है हील करता है. ये नहीं होगा तो भाई फिर आपको टीम को हीलिंग नहीं मिलेगी तो दिक्कत हो जाएगी. सो बेबी होना ज़रूरी है, बाकी आप देख लेना अपने हिसाब से. अगली टीम है गाइज आपकी जो है सागास फ्रॉम मूवीज़. एज यू गाइज कैन सी इसमें जो है पिकोलो है अपना. ठीक है, पैन आपके रिप्लेस नहीं कर सकते, इसमें पैन होना ज़रूरी है. ठीक है, बाकी आप देख सकते हो. एंड नेक्स्ट गाइस आपकी जो है रीजनरेशन टीम है. काफ़ी बंदे रीजनरेशन टीम यूज़ करते हैं, इसमें भाई एक्स जो है बेबी होना ज़रूरी है. सॉरी बेबी कह रहा हूँ मैं, एक्स वेजिटा GT वाला. ठीक है, एंड बेबी होना तो वैसे ज़रूरी है बिकॉज वो हीलिंग प्रोवाइड करता है रीजनरेशन में. बाकी आप देख सकते हो. एंड्रॉयड 21 गुड वाली अपने Z7 पे आपकी होनी चाहिए. ठीक है, एंड जैंकाइज भाई टूर्नामेंट ऑफ पावर में काम आते हैं, काफ़ी बंदे इग्नोर करते हैं जैंकाइज वगैरह को. ठीक है, बेंच में भी PvP में काम आते हैं तो कर लिया करो जब आपके पास फ्री टाइम होता है, तो वो रशिक बैटल ही तो खेलना होता है. सो अगली टीम है गाइस साइयन सन फैमिली, आप जो मर्जी इसको कह लो. ठीक है, तो आप जो है इसको फॉलो कर सकते हो. काफ़ी बंदे जो है साइयन सन फैमिली यूज़ करते हैं टीम. सो दिस इज़ द साइयन सन फैमिली टीम, बेस्ट कैन फॉलो दिस सीजन. ठीक है, नेक्स्ट टीम है गाइस एंड्रॉयड. काफ़ी बंदे एंड्रॉयड मेन थे भाई,
तो एंड्रॉयड मेन हो तो भाई आपके पास ये सारी यूनिट्स पक्का होंगी, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसमें वाइज एंड्रॉयड 21 एविल होना ज़रूरी है, ठीक है, आप देख सकते हो। हेल्थ बफ्स एंड आई गेस हीलिंग के लिए कुछ जो है ये यूज़ होती है, मैं तो खैर यूज़ करता नहीं है एंड्रॉयड्स के लिए। नेक्स्ट गाइस हाइब्रिड साइंस, काफ़ी बंदे हाइब्रिड्स मेन है, गुहान ही गुहान चलाते हैं, एंड इसमें अल्ट्रा गुहान तो आपके पास होगा ही बिकॉज आप हाइब्रिड मेन हो, तो ये देख लेना भाई। पैन इसमें ज़रूरी होना चाहिए, पैन को आप रिप्लेस नहीं कर सकते, ठीक है। जी टायर्स, ये जो स्टार्स लगे हुए हैं इट मीन दैट जी टायर्स यूनिट, बाकी आप देख सकते हो। सो नेक्स्ट टीम गाइस साइंस, दिस इज अनदर साइंस टीम, यू गाइस हैव टू फॉलो दिस सीजन, एंड वो पहली वाली आई गेस सन फैमिली होगी, एंड दिस इज द साइंस टीम यू नीड टू फॉलो, एंड ये तो इजी टीम है गाइस, आपके पास आई गेस सारी यूनिट्स होंगी ये वाली। नेक्स्ट गाइस यूनिवर्स रैप, यू हैव टू फॉलो दिस सीजन, अगर आप जो है यूनिवर्स रैप टीम चलाते हो पीवीपी में तो आपके पास ये सारी यूनिट्स होंगी, सो दिस इज द यूनिवर्स रैप टीम, एंड इसमें टॉप और डिस्पो होना ज़रूरी है बिकॉज ये डिजी टायर्स यूनिट्स हैं, बाकी आप देख सकते हो जिस पे क्रॉस साइन लगा है उसको तो आप रिप्लेस कर ही नहीं सकते, वो तो कंपलसरी यूनिट्स आपको टीम में डालनी पड़ेंगी। सो दैट्स इट गाइस, एंड ये एक लास्ट टीम है, एक जो है फ्रीजा फोर्स या फिर एलोवी, आप जो मर्जी कह लो इसको, अगर आपके पास मेरी वाली जो मैंने थोड़ी बनाई है वो थोड़ी भाई इन्वेस्टेबल टीम है, बट ये थोड़ी सस्ती टाइप है, अगर आपके पास जो है इसको आप यूज़ कर सकते हो तो आप कर सकते हो, ठीक है। सो ये हो गए गाइस टीम्स, एंड काफ़ी बंदे यार कहते हैं हमारे जी टायर्स जो है काफ़ी अर्ली मर जाते हैं, तो भाई जब आपके अगर जी टायर्स जो है गेम में टूर्नामेंट ऑफ पावर में स्टार्टिंग में अर्ली मर जाते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आपकी जो है लास्ट जो फाइट्स होती हैं ना आप उसमें जी टायर्स लेके जाया करो। लाइक दो पार्ट होते हैं, लाइक फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ, आप जो है सेकेंड हाफ जब स्टार्ट होता है ना तब जो है जी टायर्स को डाल लिया करो, पहले वाले हाफ को जो है पूरा आप जो है एस टायर्स एंड जो भी है ए बी वाले टायर्स यूनिट्स जो है उससे निकाल लिया करो, ठीक है। बट सेकंड बॉस के लिए जब आप जा रहे होते हो तब आप जो है जी टायर्स यूनिट्स आप डाल सकते हो, बेसिकली सेकंड हाफ से जो आप स्टार्ट कर सकते हो जी टायर्स डालना, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है, अगर आपके नहीं मर रहे तो आप स्टार्टिंग से डालो, ठीक है। और बाकी पैचिंग के बारे में आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ, काफ़ी बंदे पैचिंग के बारे में भी देखते हैं, सो लेट मी टेल यू अबाउट पैचिंग, एंड जिन्होंने भी गाइस चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर रखा गाइस दिल से थैंक यू, एंड जिन्होंने अभी तक नहीं कर रखा तो कोई दिक्कत नहीं है, जब भी आपको टाइम मिले आप तब कर देना, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट पैचिंग, एंड दिस इज़ द फर्स्ट फाइट गाइस, एंड इसमें आप कोशिश करना पहले टियान को निकालो, देन आप जो है वेजिटा को निकाल सकते हो, फिर आप जो है 17 को निकालना, बाकी आप अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है। सेकेंड फाइट में गाइस सबसे पहले आपको निकालना है कायोकैन गोकू, देन बीरस को बाहर निकालना, फिर जो है गोल्डन फ्रीजा, फिर अपने जो है गोट गोकू को आप निकाल सकते हो, ठीक है। एंड नेक्स्ट फाइट में गाइस आपको फिर अगेन जो है नेक्स्ट फाइट में गाइस आपको फिर जो है ग्रीन गोकू जो अपना फ्री टू प्ले यूनिट है गोड यूनिट, आप जो है उसको निकालना, ठीक है। देन आप सुपर सेन गोकू को निकाल सकते हो, फिर जो है आप सुपर सेन एस एस जे 3 जो गोकू है आप उसको निकालना, फिर आप अपने हिसाब से देख लेना। नेक्स्ट फाइट में गाइस जो है आप जो है किडलिन को निकालना, देन कौन सा किड लेना अब इसमें भाई, मतलब पहले जो है येलो यूनिट है ना उसको निकालना, फिर से बाद में आप निकालना जो है टैग यूनिट है गुहान वाली, ठीक है। थर्ड में आप ब्लू यूनिट जो है किडलिन उसको निकालना, येलो देन फिर टैग यूनिट देन जो है ब्लू यूनिट उसको निकालना। नेक्स्ट फाइट में गाइस आप जो है गोकू किट को निकालना LF यूनिट, ठीक है, लेजेंड्स लिमिटेड, देन भाई फिर आप मास्टर रोशी को निकालना, देन ये बुलमा को निकालना, ठीक है, फिर आप जो है एंड्रॉइड्स को निकाल सकते हो, फिर अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट साइड में गाइस एंड्रॉइड टैग यूनिट रेड यूनिट जो है इसको पहले आपको जो है पॉइंट आउट करना है, देन आपको जो है फिर ट्रंक्स को निकालना है ब्लू यूनिट फ्यूचर वाला जो किड है, देन आपको जो है पर गुआन और ट्रंक्स जो है टैग यूनिट दिख रही है थर्ड नंबर पर आपको उसको निकालना है किड यूनिट, ठीक है। सो टैग यूनिट जो है फिर आप जो LF येलो वाले गुहान को जो है फिर पॉइंट आउट करना, फिर देख लेना आप अपने हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट फाइट में गाइस आपको जो है सेल को निकालना है पहले, उसके बाद गाइस सेल ग्रीन यूनिट नॉट परफेक्ट, फिर आपको एक्स परफेक्ट जो है यूनिट है सेल वाली पर्पल यूनिट उसको निकालना, फिर कैफला को निकालना, फिर आप थर्ड यूनिट पे, ठीक है, फोर्थ ट्रंक्स एंड देन आप अपने हिसाब से फिर देख लेना। नेक्स्ट फाइट में गाइस एंड्रॉयड 17 निकालोगे आप, ठीक है, पर्पल यूनिट GT यूनिट, ठीक है, देन आपको जो है फिर सुपर 17 XP यूनिट येलो यूनिट जो है
ग्रीन वाले को मत निकालना भाई, एसपी यूनिट जो है फ्री टू प्ले यूनिट उसको निकालना। थर्ड में फिर किड गोकू, फिर आप अपने हिसाब से देख सकते हो किड गोकू या रेड यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट फाइट में गाइज आपको जो है येलो फ्रीजा लेजेंड्स लिमिटेड वाला, ठीक है, इसको निकालना। देन फिर आप जो है सुपर सैयन लेजेंड्स लिमिटेड गोकू, थर्ड में अल्ट्रा वेजिटा एंड फोर्थ में आप टैग यूनिट को टारगेट करना, ठीक है। सो दैट्स इट। एंड अगर मैं भाई थोड़ी नेक्स्ट वीडियो वगैरह ना बना पाऊँ तो समझ लेना मैं थोड़ा बिजी चल रहा हूँ। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जब भी मैं आऊँ। एंड दैट्स इट, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड्स वगैरह में शेयर कर दें ताकि वो भी जो है 1000 CC निकाल पाए टूर्नामेंट ऑफ पावर में। हैव अ गुड डे गाइस, बाय।